जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों को जानते हो कि एसएससी जीडी 2024 का जो सीबी एग्जाम हो रखा था इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है दोस्तों। तो आप सभी दोस्त लोग जो सीबी एग्जाम में सिलेक्ट हो गए हो यानी कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लिए हो, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जो जो दोस्त लोग पास नहीं हुए हो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्शन को मत बदलिए, यानी कि जिस रास्ते से चल रहे हो वो रास्ता जो है भटके मत। आप जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा उसके लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। इस परीक्षा में पास नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन थोड़ा तो कमी है ना आप में, तो इस कमी को जो है दूर कीजिएगा अगली वैकेंसी में। अब मन में ये ठान लो कि मेरे को जो है अगले वैकेंसी में मेरे को जैसे भी करके मेरे को पास होना है दोस्तों, और अगले बार जो है मेरे को वर्दी पहनना है। इस साल के वैकेंसी में बहुत जो है कट ऑफ हाई गया है। किस कारण से हाई गया है, देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें क्या है जो कैंडिडेट्स है वो लाखों में है दोस्तों, तो इसलिए जो है कट ऑफ हाई गया है। अभी बात यह आ जाता है, बहुत सारे दोस्तों का ये डाउट है कि मेरे को जो है मार्क मिला है जितना, उस मार्क में क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि भाई देखो, जिनका कम नंबर आया है भाई अलर्ट हो जाओ दोस्तों, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जब होगा, जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया, आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, इसके बाद जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जो है जो कम नंबर है उनका नाम नहीं भी आ सकता है दोस्तों। अभी आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको कितना मार्क मिला है 160 में से, और आप कौन से कैटेगरी के हो, मेल हो फीमेल हो, कौन सा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यानी कि या फिर जनरल डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सब जो है रास्ता पार हो रखे हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है नाम नहीं आता है। ऐसे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, मेरे साथ में हैं ऐसे बहुत ऐसे दो तीन दोस्त हैं जो कि पूरा क्लियर करके रखा था, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम, आपका जो है मेडिकल एग्ज़ाम हो रखा था, लेकिन मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका नाम नहीं आया और इसका ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आया, नौकरी भी नहीं मिला। तो जो जो दोस्त लोग आपका कम नंबर है, आप जानते हो कि कट ऑफ मार्क जो है इतना है और मेरे को इतना मिला है, तो भाई सावधान हो जाओ, नहीं तो अगले वैकेंसी के लिए तैयार हो जाओ। बस मैं ये बोलूँगा कि जिनका नंबर बढ़िया है आप मेहनत करो, फिजिकल के लिए जान लगा दो, बस फिजिकल कैसे भी करके पास करना है दोस्तों, ठीक है। और एक वीडियो में बताऊँगा कि कट ऑफ मार्क के बारे में एसएससी का। इसमें देखिए, जो जो दोस्त लोग फेल हो गए हो, निराश मत होइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई यही एग्ज़ाम आपका लास्ट नहीं है दोस्तों, ऐसे आगे और भी वैकेंसी आते रहेगा, तो तैयारी जारी रखो, डायरेक्शन मत बदलो। आपको यदि फौजी में आना है तो बस आना है, बस कैसे भी करके आप अगली वैकेंसी में पास हो जाओ दोस्तों। और जो जो मेरे दोस्तों भाई सीबी एग्ज़ाम में पास हो गए हो भाई, मेहनत लगा दो, मेहनत लगा दो भाई। आपका जो एडमिट कार्ड है, फिजिकल का एडमिट कार्ड, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे CRPF के वेबसाइट में मिलेगा, CRPF.gov.in। अभी तक तो एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है फिजिकल का, तो कुछ दिन पे जो है हमारे वेबसाइट में जो है इशू हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आप लोग आराम से डाउनलोड करके आप अपना जो फिजिकल का जो पता है, आपका वेन्यू है, वो जान पाओगे। और जुलाई 10 तारीख से जुलाई 24 तारीख तक ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपका आंसर की जो फाइनल आंसर की है, आपका जो OMR शीट और आपका आंसर की कौन सा होगा, उस हिसाब से आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपको कितना नंबर मिला है दोस्तों। आप आराम से SSC की वेबसाइट में जाके आराम से अपना OMR शीट यानी कि रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लो, आंसर की डाउनलोड कर लो, आप अपना मिला लो, आप अपना खुद ही कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना मार्क मिला है और कट ऑफ कितना गया है, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। आप कमेंट भी कर सकते हो आपको कितना मार्क मिला है। अब बस जोर लगा दो वर्दी के लिए, बस मन में ये रखो कि मेरे को जो है
फिजिकल कैसे भी करके पास करना है, क्योंकि मैं रिटन एग्जाम पास कर लिया हूँ और मेरे को फिजिकल कैसे भी करके पास होना ही होना है। और मन में ये ठान लेना कि जिस दिन मेरे को फाइनल में दोहराएगा ना, उस दिन मेरे को कैसे भी करके पास करना ही करना है। तो भाई जो जो मेरे दोस्तों पास कर लिए हो, आप लोग फिजिकल की तैयारी करो, हमारी वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा आप लोग का फिजिकल का एडमिट कार्ड, डाउनलोड कर लेना crpf.gov.in इस वेबसाइट से। और आपका OMR शीट यानी कि रेस्पॉन्स शीट आप डाउनलोड कर लो, जुलाई 24 तारीख तक लास्ट डेट है। आप अपना OMR शीट डाउनलोड करके अपना पता कर सकते हो आपको कितना नंबर मिला है और कट ऑफ मार्क कितना गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं, आराम से जो है आपको पता चल जाएगा। और आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको कितना मिला है, आप कौन सा कैटेगरी के हो, मेल हो फीमेल हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो। तो वीडियो पे बस इतना है, तो वीडियो को प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और तगड़ा फूजी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, जय हिंद दोस्तों।